शाइना एनसी मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप बहुत करीबी रही हैं इस परिवार के, टाटा परिवार की। शाइना, आज इस मौके पर जब रतन टाटा हमारे बीच नहीं है, सब कोई गमगीन है, हर कोई दुखी है। आपका कोई संस्मरण, आपकी कोई याद उनसे जुड़ी हुई जो दर्शकों के साथ साझा करना चाहें आप? देखिए, एक चीज हर कोई कह रहा है कि भारत के रत्न हैं, तो मैं तो ये तो कहूंगी कि टाटा को कोई टाटा नहीं बोल सकता, क्योंकि रतन टाटा जी की एक विशेषता है, थी और हमेशा रहेगी, वो है सादगी। सादगी के साथ साथ यानी कि सिंप्लिसिटी, जेनरोसिटी और कंपैशन। बहुत सारे उद्योगपति हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, लेकिन ये केवल एकमात्र उद्योग के क्षेत्र के व्यक्ति हैं जो एक सोशल रिफॉर्मर थे, जहां जो पैसा कमाया वो समाज में बांटना। और मैं आपको दो उदाहरण दूंगी। उनका जो एक पेट प्रोजेक्ट था, वो स्ट्रे एनिमल्स के लिए ये वेटनरी हॉस्पिटल जो उन्होंने खोला, कहीं उन्होंने प्रचार नहीं किया, लेकिन सही मन से उनको शाम के वक्त अपने डॉग्स के साथ, डॉग्स के लिए शेल्टर बनाना उनके ऑफिस में। दूसरी बात, जेनरोसिटी। बहुत सारे लोग हैं जो दान करते हैं, लेकिन वो दान का प्रचार होता है। बिल्कुल। यहाँ वो टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल चलाते हैं मुंबई में, इसके बावजूद उन्होंने आबाजी थाटे हॉस्पिटल, जो नागपुर में कैंसर हॉस्पिटल है, वहां इतना बड़ा डोनेशन दिया, लेकिन कभी इसका जिक्र भी नहीं किया कि मैंने ये किया है कैंसर पेशेंट्स के लिए। और तीसरी जो एक अनुभव मैंने देखा है, वो है उनका जो सिंप्लिसिटी है। सिंप्लिसिटी की जब हम बात करते हैं, तो ये सादगी कि जब वो डिनर के लिए किसी के यहाँ आए या हमारे घर पे आए, तो हमेशा हम पूछते थे आप वापस कैसे जाएंगे, तो उन्होंने कहा मैं स्वयं चलाऊंगा, क्योंकि मेरा ड्राइवर बहुत दूर रहता है और उनको उनके घर वालों के साथ जाना चाहिए या रहना चाहिए। तो ये विशेषता थी उनकी। एक खास बात और है जिस पर मैं चाहूंगा दिबांग से बातचीत हो। हमारे वरिष्ठ सहयोगी दिबांग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लगातार आज सुबह से आप तक पूरी जानकारी पहुंचा रहे हैं, वो रतन टाटा से जुड़ी हुई। दिबांग, जो एक शब्द होता है ना क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसमें कहा जाता है कि भाई सत्ता में बैठे लोगों से उद्योगपतियों की नजदीकी होती है, साठ गांठ के साथ सरकार चलती है, उद्योगपतियों को भी फायदा होता है, मुझे लगता है इससे बिल्कुल अछूता इनका रहा पूरा जीवन। इतने बड़े उद्योगपति का सत्ता के साथ जुड़कर फायदा उठाने का, उस छवि से बिल्कुल अलग रहे रतन टाटा, इस लिहाज से भी उन्हें याद किया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, और एक ऐसी बात कर रहे हैं जिसको आज के दौर में जरूर कहा जाना चाहिए और जोर से कहा जाना चाहिए अखिलेश, जो आप कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, जब 60 का दशक था, लाइसेंस राज हुआ करता था, परमिट राज हुआ करता था, तभी जेआरडी टाटा ने भी कह दिया था हम किसी तरह से किसी भी पॉलिटिशियन को घूस वगैरह नहीं देंगे, और चाहे 2G का मामला हो या बाद में गाड़ियों का मामला हो, तो उसमें एयरलाइंस का मामला हो, उसमें उनको कई बार नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन एक जो बात बहुत साफ कही, और ये जब रतन टाटा से एक बार पूछा गया कि वो टाटा का मतलब क्या समझते हैं, उनके लिए क्या मायने हैं उनका, तो उनका कि नैतिक तरीके से आप वैल्यूज के साथ अपने काम करिए और हमेशा ध्यान रखिए अपने कस्टमर का, अपने शेयर होल्डर का। आप ऐसा करेंगे तभी आपके अंदर विश्वास जगेगा। और उन्होंने कहा कि जो पूरा टाटा समूह है, जब से बना है, उसने इस बात पर बहुत ध्यान दिया है, और मेरा भी काम वही है। मेरे ख्याल से आज के दौर में जब तरह तरह की बातें कही जाती हैं, कहां किस पॉलिटिशियन ने किस इंडस्ट्रियलिस्ट की जेब में बैठा है, जैसी बातें होती हैं, उसमें टाटा समूह ने ऐसे काम किया। और देखिए, बैलेंस शीट अगर आप उनकी देखें रेवेन्यूज की, तो 46 गुना बढ़ी, 4,75,000 करोड़ की बैलेंस शीट है। बहुत ही खास बात, बहुत ही अहम बात दिबांग आप बता रहे हैं। ये पूरी जानकारी मैं चाहता था दर्शकों तक पहुंचे। ABP News आपको रखे आगे।